चीन के साथ तनाव के बीच भारत सरकार ने फिर से डिजिटल स्ट्राइक की है। चीन की धुरता के खिलाफ पीएम मोदी ने लंबी योजना बनाई है। जब तक चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तब तक उसके खिलाफ प्रतिबंध का दौर चलता रहेगा। इस बार भारत सरकार ने चीन के दो लोकप्रिय ऐप को ब्लॉक कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत सरकार ने चीन के दो सबसे पॉपुलर ऐप बाइडू सर्च और वीबो को ब्लॉक कर दिया है। बाइडू सर्च चीन का अपना सर्च इंजन है, यह गूगल की तरह काम करता है। दूसरी ओर वीबो भी चीन का सोशल मीडिया है, जो ट्विटर की तरह काम करता है। वीबो को चीन का ट्विटर भी कहा जाता है। बैन के बाद अब ये दोनों ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से भी हटा दिए जाएंगे। वीबो को चीन की सीना कॉर्पोरेशन ने साल 2009 में लॉन्च किया था। दुनिया भर में वीबो के 50 करोड़ यूजर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीबो के एक स्टार यूजर में से एक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर साल 2015 में अपनी चीन यात्रा से पहले अकाउंट बनाया था। पीएम मोदी ने वीबो पर अपने सबसे पहले पोस्ट में वीबो के जरिए चीनी लोगों से कनेक्ट होने की बात कही थी। वहीं बाइडू सर्च भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। बाइडू का फेसमोजी की बोर्ड काफी लोकप्रिय रहा है। कंपनी के सीईओ रॉबिन ली भी भारतीय यूजर के बीच ऐप की पहुंच को बढ़ाने के सिलसिले में इसी साल जनवरी में आईआईटी मद्रास पहुंचे थे। यात्रा के दौरान ली ने कहा था कि वह खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इन दोनों ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से भी हटाने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही देश के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इन ऐप्स को ब्लॉक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि भारत ने 29 जून को टिकटॉक समेत 59 ऐप को बैन कर दिया था। ऐप को बैन करने की वजह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया गया था। इसके बाद भारत सरकार ने चीन के 47 और ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। इन ऐप्स के बारे में कहा गया कि ये पहले बैन किए गए 59 ऐप के क्लोन के तौर पर काम कर रहे हैं और इनसे यूजर्स के डेटा की सेफ्टी पर बड़ा खतरा है। अब मोदी सरकार चीन के करीब 250 ऐप के ऊपर नजर रखे हुए हैं। इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें पबजी जैसे गेम ऐप भी शामिल हैं, जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। चीन के खिलाफ मोदी सरकार का अभियान जारी है। अगर चीन सीमा पर तनाव को खत्म नहीं करता है तो चीन के खिलाफ इससे भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। चीन एक तरफ भारत से अच्छे संबंध की अपील करता है तो दूसरी ओर सीमा पर अपनी हरकत से बाज नहीं आता। ऐसे में मोदी सरकार भी चीन के खिलाफ अपनी नीतियों में बदलाव कर रही है, जिससे चीन को बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।